तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर। अभी गए थे बैंक और बैंक से आ चुके हैं। और गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर और अभी हम रास्ते में थे और अभी हम गिरोला गांव में है और अभी हम गांव जा रहे हैं। तो इस इंटरेस्टिंग व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो और ये वाला वीडियो जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे। हम साइकिल से आए हुए कुछ इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ। ये गाइस कुछ इस तरीके से। और अभी हम जा रहे हैं घर। और अभी हम जो पीछे का कैमरा आता है फ़ोन का, वो हम अभी चालू करने वाले और इसके और इधर का पूरा वीडियो बनाने वाले। और यह लगा हुआ है गिरो लगा इस ये कुछ इस प्रकार से गाइस। और अभी हम जा रहे हैं घर। और गाइस, आज हमको काम था बैंक में, तो इसलिए हम आज बैंक गए थे। और बैंक में भी आज काम था तो पूरा हो चुका है। आधार लिंक करने का था तो हम गए थे बैंक में। और बैंक का नाम है महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो वहाँ गए थे। सालिकसा में है, वहाँ गए थे। और अभी हम रास्ते में थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसे ही जाते हुए क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, इसलिए मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ। और अभी हम गिरोला है जिस प्रकार से गाइस, इधर का ये है लुक इधर का। और गाइस, ये वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इसमें चार पांच गांव आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको दिखाया गिरोला, फिर गिरोला के बाद आएगा गाइस सोनाटोला, और सोनाटोला के बाद आएगा गाइस बोदलबोड़ी, दरबड़ा एंड फिर हमारा गाँव। मतलब सालेकसा और धानोली के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, बट तो भी है ज़्यादा, तो भी मैक्सिमम बोले तो 8 किलोमीटर। जी हाँ गाइस, मैक्सिमम 8 किलो है डिस्टेंस। और अभी हम जा रहे हैं घर। हमारा काम हो चुका है, इसलिए हम आज कॉलेज नहीं गए, क्योंकि जो हमको फॉर्म भरना था स्कॉलरशिप का, इस उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आधार लिंक की। और आधार लिंक का स्लिप हमको मिल चुका है और अभी हम बहुत ही खुश है। और अभी हम घर जा रहे हैं। गाइस, ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला मुझे ऐसा लग रहा है, तो भी गाइस देख लेते हैं कितना लंबा होगा करके। गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सोनाटोला जो गांव है वहां। अभी यहां से उस गांव की स्टार्टिंग होगी। और ये वाला गांव भी काफ़ी अच्छा है। इस गांव का नाम है सोनाटोला और ये गांव, अभी हम यहां से जाने वाले घर। कुछ ये है कुछ इस गांव का लुक। गाइस, तो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं सोनाटोला गांव में, जो कि यहां से होकर गुजरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गांव आता है, मतलब सालेकसा से हम अभी इधर अपने गांव जा रहे हैं, तो हमको पहला गांव मिलेगा गिरोला एंड उसके बाद है सोनाटोला। तो ये है गांव सोनाटोला कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ अंदर एक जाता है रोड जैसा कि कुछ इस प्रकार से। गाइस, हमें सालेकसा से धानोली जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ओनली 13 मिनट। जी हाँ गाइस, ओनली 13 मिनट। बट अभी जो दरबड़ा गांव के तरफ से जो रोड ख़राब है गाइस, उसी की वजह से हमको अभी 45 मिनट जाने में लग रहे हैं और आने में भी 45।
तो गाइस वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और ये कुछ इस प्रकार से बिल्डिंग बन चुके है गाइस। ये है गाइस इधर का लुक। और गाइस इसके बाद जो गांव आने वाला है उसका नाम है गाइस बोदलबोड़ी। जी हाँ गाइस, ये बोदलबोड़ी गांव और ये वहाँ की पहाड़ी। तो गाइस अभी हम जा रहे बोदलबोड़ी। और गाइस जैसे ही हम बोदलबोड़ी पहुँचेंगे वैसे ही आपके लिए और एक व्लॉगिंग लाएंगे। तो गाइस अभी फिलहाल अभी वीडियो स्टॉप कर देते थोड़ी देर के लिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था बोदलबोड़ी गांव, तो ये आ चुका है बोदलबोड़ी गांव। और कुछ इस प्रकार से ये गांव है और सबसे बड़ा गांव बोले सालेकसा तहसील में तो सबसे बड़ा गांव है दरबड़ा। दरबड़ा गांव को ही सबसे बड़ा गांव माना जाता है सालेकसा तहसील में से। तो हम अभी जा रहे हैं घर और आ चुके हैं बोदलबोड़ी। और बोदलबोड़ी का क्या हाल है वो भी आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। गाइस अभी टर्न आ चुका है और अभी हम जा रहे हैं, सीधे सीधे जाना है हमको। और गाइस ये मेरे फ्रेंड आ चुके हैं। हाय गाइस, हम आ रहे हैं आ रहे हैं। और गाइस ये फाइनली अभी ये जो मेरे फ्रेंड गए दोस्तों, ये सालेकसा में ही पढ़ते हैं और उस स्कूल का नाम है शंकरलाल अग्रवाल स्कूल, जो कि सालेकसा की फेमस स्कूल और आमगांव की फेमस स्कूल है, आदर्श विद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय आमगांव, जिसकी और एक संस्था है और उसको बोला जाता है भवभूति महाविद्यालय। तो महाविद्यालय क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो सबसे बड़ी कॉलेज है जहाँ BSc किया जाता है, BSc कॉमर्स इस प्रकार से। तो गाइस अभी वीडियो को स्टॉप कर देते क्योंकि अभी तो घनेरा जंगल के टाइप नहीं बोल सकते, बट जंगल के जैसा ही है कुछ, इधर कोई भी मकान वगैरह नहीं है, तो इसलिए अभी इसको स्टॉप कर देते। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं दरबड़ा। तो गाइस ये है दरबड़ा गांव, जो कि धानोली के पास से 1 किलोमीटर के दूरी पर है। और अभी हम पहुंच गए दरबड़ा और यहां से 1 किलोमीटर है हमारा गांव धानोली। गाइस अभी थोड़ी देर में आने वाली है दरबड़ा गांव में जो स्कूल है, 8th से 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक है। यहाँ बहुत अच्छी स्कूल है, अच्छी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ 8th से 10th तक है। और इस स्कूल का नाम है लोकमान्य तिलक। अभी मैं आपको इसका लाइव दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये है कुछ इस प्रकार से, ये है लोकमान्य तिलक। यह गाइस
लोकमान्य तिलक। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर और फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरबड़ा। और गाइस इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दरबड़ा की जो रास्ता है वो यहाँ से वो रोड ख़राब हो चुका है। तो गाइस जिसका मैंने जिक्र किया था वो रोड आ चुका है, इसलिए भी यहाँ व्लॉगिंग करते नहीं जमेगी, इसलिए मैं अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस फिर ये वाला रास्ता ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉगिंग, और तब तक हम अपने गाँव भी पहुँच चुके होंगे। देख लेते होता ही क्या। तो दोनों हाथ से, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ कर रखा हूँ। और गाइस ये वाली रोड पहले बहुत अच्छी थी, बट अब किस वजह से तो इसको खोदा गया और यहाँ से नई रोड बनने वाली है ऐसा दावा किया जा रहा है, बट अब पता नहीं पता चलेगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए तो हम जा रहे हैं, काफ़ी ख़राब है गाइस, ऐसी रोड में जाने को बहुत टाइम लगता है। तो भी हम जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं देख सकते हैं। यह दरबड़ का गांव की टोली, तो गाइस फाइनली हम गांव पहुँच चुके हैं। तो गाइस हमारा गांव धानोली आ चुका है और अभी हम घर के पास में पहुंच चुके हैं और अभी हम जाएंगे घर और करेंगे आराम। मेरे सर के से आने के बाद अभी खाना खाएंगे और जो भी घर का काम होगा वो कर लेंगे। तो गाइस फाइनली हम अभी घर पहुंच रहे हैं, हमारा घर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, बस अगले वीडियो में।